हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम डॉक्टर श्वेता कर्लपुड़ी ऑब्स्टेशन एंड गायनकोलॉजिस्ट आज हम ये डिस्कस करेंगे अम्बेलकल का्ड मतलब गर्भनाल बेबी के नेक के अराउंड कब होते हैं रहा तो उसके वजह से बेबी का हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्या इनकेस गर्भनाल हम डायग्नोस कर किया तो मोड ऑफ़ डिलीवरी कुछ चेंज होता है क्या मतलब नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन ऐसा कुछ डिसाइड करना पड़ सकता है क्या एंड हम इसको कैसे डायग्नोस करें ये रहने का कारण क्या होता है आइए ये, ये सब हम आज ये वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे एंड फ्रेंड्स आप मेरा वीडियोस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड यू ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन ये सब्सक्राइब बटन के बाजू में सो so दैट जब भी हम न्यू वीडियोज़ पोस्ट करते हैं आप नोटिफाई रहे एंड आप कुछ वीडियोज़ मिस ना करें एंड फ्रेंड्स ये अम्बेलिकल कॉर्ड क्या होते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड एक कनेक्शन होता है मदर और बेबी के बीच में ये अम्बेलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है हम डिटेल देखा गया ये अम्बेलिकल कॉर्ड के अंदर एक वेन और दो आर्टरीज रहते हैं एंड अम्बेलिकल कॉर्ड के अराउंड एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं उसको हम वॉटन्स जेली बोलते हैं ये वॉटन्स जेली क्या करते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड मूव होने के बावजूद भी उसके अंदर ट्विस्ट और नॉट्स नहीं होने देते हैं एंड एज यू सी ये दो आर्टरीज एंड वन वेन ये वेन क्या करते हैं मदर से दैट इज़ प्लेजेंटा से इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोस ये बेबी की तरफ लेके जाते हैं एंड ये जो दो आर्टरीज है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड Uh, बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स जो बेबी में तैयार होते हैं वो वापस प्लेजेंटा को ला डिलीवर करेगा सो so, ये आर्टरीज और वेन में कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेशन चालू रहेगा जिसकी वजह से ये अम्बेलिकल कॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये अम्बेलिकल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं दो प्लेजेंटल आर्टरीज एंड एक प्लेजेंटल वेन सो दो अम्बेलिकल आर्टरीज एंड वेन रहेगा एंड इसके अराउंड एक वाटन्स जल्दी रहेगा एंड फ्रेंड्स ये अम्बेलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक जब होता है ये इसके वजह से बेबी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है क्या नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट सिंगल अम्बेलिकल कॉर्ड रहने की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं एंड फ्रेंड्स ये कितना कॉमन रहता है ये मो कभी कभी प्रेगनेंसीज में अम्बिलिकल कॉर्ड लॉन्ग रहने की वजह से ये लूप ऑफ कॉर्ड नेक के अराउंड रह सकते हैं एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मोर देन ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी टू थर्टी फाइव परसेंट बेबीज में सिंगल लूप ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाई देते हैं एंड टू लूप्स टू टू फाइव परसेंट बेबीज़ में दिखता है एंड मोर देन टू लूप्स वेरी रेयरली लेस देन वन परसेंट बच्चों में दिखाई देते हैं एंड सिंगल लूप रहने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिलीवरी नॉर्मली हो जाते हैं एंड ये अम्बेलिकल कॉड का कारण क्या होता है नेक के अराउंड रहने का इफ द कॉड इज लेंदी लॉन्ग कॉड रहने की वजह से और बेबी के अराउंड पानी ज़्यादा रहने की वजह से इसको हम पोलीहाइड्रमनियास बोलते हैं ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ आया मदर को तो ये पानी का लेवल बढ़ने का चांसेस रहता है एंड वन मोर थिंग मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में कॉर्ड भी लंबा रहेगा बेबीज़ भी ज़्यादा रहेगा बेबी ज़्यादा मूवमेंट करेगा एट द सेम टाइम मूवमेंट्स करने की वजह से कॉर्ड लूप्स बनता है बेबी का बॉडी और नेक के अराउंड ये पानी ज़्यादा रहने के भी यही वजह होता है एंड ये अम्बेलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक हम कैसे डायग्नोज करें अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट मोडेलिटी ये डायग्नोज करने के लिए जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक थ्री डी इमेज है जिसमें हमको दिखाई देता है अम्बेलिकल कॉर्ड बेबी के नेक के अराउंड एंड ये भी इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं देर इज सिंगल लूप ऑफ अम्बेलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक ऑफ़ द बेबी एंड जब हमको एक लूप ऑफ कॉर्ड दिखाई देगा एट द टाइम हम ऑब्जिटिशियंस डॉपलर कलर डॉपलर डाल के देखते हैं टू एग्जैक्टली सी वेदर इट इज़ अम्बेलिकल कॉर्ड और नॉट एंड कितना लूप्स ऑफ कॉड अराउंड द नेक है ये क्लियरली और एक्यूरेटली हम डायग्नोज कर सकते हैं ये कलर डॉपलर डाल के देखने की वजह से एंड अम्बेलिकल कॉर्ड सपोज़ लूज है एंड सिंगल है मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉर्मल डिलीवरी हो जाते हैं बेबी को और मदर को कुछ भी तकलीफ नहीं होता है फर सपोज़ कॉर्ड ज़्यादा टाइट रहे एंड मोर देन टू और मोर देन टू लूप्स रहने की वजह से ये अम्बिलिकल कॉर्ड में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब कंट्रैक्शंस होते हैं कॉर्ड में अम्बिलिकल वेन प्रेस होने का चांसेस रहता है जिसकी वजह से बेबी की तरफ ऑक्सीजन फ्लो कम होने का चांसेस रह सकता है ये हम कैसे डायग्नोस करें कंटिन्यूसली जब हमको पता चलता है बेबी के निक के राउंड कॉर्ड है वी विल बी मोर कॉशियस प्रिकॉशन से देखते हैं ये जो एन एस टी ग्राफ रहता है बेबी का हार्ट बीट स्ट्रेस करते हैं सपोज़ उस ग्राफ में ऐसा हार्ट बीट का डिसलरेशंस मतलब ड्रॉप्स दिखाई देते हैं हमको जब कंट्रैक्शन आता है तब देन हमको क्लियरली पता चलेगा कि ये कॉर्ड थोड़ा टाइट है जिसकी वजह से बेबी के तरफ ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पा रहा है एंड ये कंटिन्यूसली रहे वेरिएबल डिसेलरेशंस और बढ़ने लगा देन विल टेक द डिसीशन एंड जल्दी से जल्दी बेबी को सी सेक्शन से डिलीवर करते हैं थैंक यू फ्रेंड